चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया महागठबंधन, मिला कई बड़ी पार्टियों का समर्थन, भाजपाइयों में मची खलबली, कांग्रेसियों में भयंकर जश्न। दरअसल आपको बता दें, विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कड़े इम्तिहान में फंस गया है। एनडीए बनाम इंडिया के भावी मुकाबले की तस्वीर के तौर पर पेश किए जाने से यह चुनाव खासा रोचक हो गया है। वहीं आपको बता दें, मऊ जिले में आने वाली यह सीट कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय की कर्मभूमि रही है। मऊ जिला भी उनके ही प्रयासों से बना था। विशेष परिस्थितियों में हो रहे इस चुनाव में वही दारा सिंह चौहान भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो इस सीट से सपा के विधायक थे। वर्ष 2022 के चुनाव में दारा सिंह चौहान सपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे और भाजपा प्रत्याशी विजय राजभर को 22,216 मतों से हरा दिया था। विजय राजभर 2019 में हुए उपचुनाव में भाजपा के विधायक चुने गए थे। दारा सिंह चौहान सपा से इस्तीफा देकर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो सपा प्रत्याशी के रूप में सुधाकर सिंह उनके सामने हैं। सुधाकर 2012 में इस सीट से सपा के विधायक चुने गए थे। उस समय उन्होंने बसपा प्रत्याशी भागु चौहान को हराया था। फिर वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में भागु चौहान विधायक चुने गए। उन्होंने बसपा के अब्बास अंसारी को हराया था और उस समय सपा प्रत्याशी के रूप में सुधाकर सिंह तीसरे स्थान पर चले गए थे। भाजपा विधायक भागु चौहान को बिहार का राज्यपाल बना दिए जाने के बाद वर्ष 2019 में उपचुनाव हुआ, जिसमें भाजपा के विजय राजभर विधायक चुने गए थे। इस उपचुनाव में सुधाकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दूसरे नंबर पर थे। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाम पर सपा प्रत्याशी को समर्थन देकर लोकसभा चुनाव से पहले ही बड़े दंगल का अखाड़ा तैयार कर दिया। सपा प्रत्याशी के साथ पूर्व सहयोगी के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल रालोद और अपना दल कमेरा वादी पहले से हैं। सपा की स्थिति में बस एक बदलाव यह आया है कि इस बार सुबह सपा उसके विरोध में है और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में ताल ठोक रही है। इस तरह यह उपचुनाव उसकी ताकत का भी इम्तिहान है।